केसेस जो है अभी भी 2,200-2,500 तक डेली पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो अभी कहीं स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। डेली पॉजिटिविटी का रेशियो जितने हम सैंपल से लेते हैं उसमें पॉजिटिव पर्सन कितने आते हैं उसको हम पॉजिटिविटी रेशियो बोलते हैं, तो तकरीबन 11-12% तक जो है स्टेबलाइज हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। उसका असर देखने के लिए कुछ एक डेज या वीक्स भी लगेंगे जिसमें कि और इसको कमी आए, लेकिन तब तक जो कोविड का फैलाव हो चुका है उससे चलते डेथ्स का जो संख्या है डेफिनेटली सेम रह सकता है या कहीं उसमें मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। बेड ऑक्युपेंसी का सवाल पर मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले जो 8-10 दिन पहले जो सिचुएशन थी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में बेड्स की काफी किल्लत हुई थी, वो सिचुएशन आज इज आउट हुई है। स्कीम शोरा, SMHS और JVC, इसके अलावा बाकी सब हॉस्पिटलों में हमने बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की तादाद बढ़ा दी है, उससे चलते इनकी ऑक्युपेंसी जो है 80-85% तक आ गई है, इवन आने वाले दिनों में और कम हो जाएगी। और उसके अपोजिट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, जिले के सतह पर जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के जो इकदाम थे उसमें उतनी ऑक्युपेंसी नहीं थी, 15-20% थी, वह बढ़कर के जो है 40-45% तक आ गई। कहने का मकसद जो है बेड ऑक्युपेंसी रिलेटेड जो डिफिकल्टी थी वो अब ईज आउट हो रही है, आने वाले दिनों में हमें और अपेक्षा है कि वो और ईज आउट हो जाएगी। जो होम आइसोलेशन में लोग रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल किट जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने के लिए डिवाइस, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, कुछ एक कॉमन यूज वाला मेडिसिन और ये सब यूज करने के लिए एक SOP डूज एंड डोंट्स के तौर पर हर एक पॉजिटिव पर्सन को दी जा रही है। पिछले 3-4 दिन में उसमें थोड़ी सी दिक्कतें थी लेकिन अभी जो है वो दिक्कतें कम हो गई है। हर एक पॉजिटिव पर्सन को कोविड किट जो है अपने घर में ही कंसर्न इंतजामिया से मिलने लगेगी जिससे कि अपने घर में रहते हुए वो इलाज सही तरीके से कर सके। ऑक्सीजन का जहां तक सवाल है तो हमारे यहाँ 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और 20 के करीब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए। वादी की पोजीशन जो है ऑक्सीजन के चलते जो है काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो उस हालात को देखते हुए जो हमने बहुत ही नजदीक का जो नजरिया है या सिकुड़ता हुआ नजरिया उससे दूर आने की जरूरत है। कहीं कुछ मीडियम्स में मैंने ये भी देखा है कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन की यहां कम हो रहा है दूसरी जगह ज्यादा हो रहा है, उसमें हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मुश्किल का वक्त है, हमने जो है एक कंबाइंड एक वन फैमिली मिलकर के चलने की जरूरत है। कोई चीज अगर हमें अगर कम पड़ जाती है तो डेफिनेटली हम दूसरे से मांग सकेंगे और डेफिनेटली वो ही गवर्नमेंट करती है। कोई भी फैसला लेने से पहले सरासर एक ब्रॉडर लेवल पर देख करके लार्जर इंटरेस्ट में वो फैसला लिया जाता है, तो ऐसे जो संकुचित नजरिए से जो शॉर्ट साइटेड नैरो माइंडेड कुछ कमेंट्स अगर आते हैं तो मैं कॉमन पब्लिक को ये अपील करना चाहूंगा कि आप उसमें मत ज्यादा देखिए। डेफिनेटली यहां की भी जो इंतजामिया है काफी बेटर है, आप सब जानते हैं, और इसको और बेटर करने के लिए जो जो चीजें हैं उसको हम जरूर करेंगे। वही बात लागू होती है यहाँ की वैक्सीनेशन से रिलेटेड। पहले जो है हमने काफी अप्रीहेंशंस थे, इवन हमारे हेल्थ स्टाफ ने भी वैक्सीनेशन नहीं किया था, लेकिन जब सेकंड वेव आई हमें लगा कि नहीं ऑक्सीजन वैक्सीनेशन एक जरिया है जिससे कि हम इस बीमारी को फेस कर सकते हैं इफेक्टिवली, तब हमारे यहाँ काफी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ। मैं आम आवाम का खास करके रूरल एरियाज की जो आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े चढ़ करके इसमें हिस्सा लेकर के वैक्सीनेशन करवाया। अबाउ 45 की उम्र के
वाले लोग जो है वल्नरेबल रहते हैं। इवन एक एक दिन पर जो है 50,000 तक हमारा वैक्सीनेशन गया है। आज भी हमारा जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो 61% है और नेशनल एवरेज जो है 33% है। ऑलमोस्ट दुगना हमने वैक्सीनेशन किया है। जो भी बचा हुआ वैक्सीनेशन है जो पॉपुलेशन अब वो 45 की, उसको भी आने वाले दिनों में जो है कंप्लीट करने का एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है, मंसूबा है और उसी के हिसाब से करेंगे। जहां तक बिलो 45 पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन का सवाल है, उसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है क्योंकि 18 से 45 की उम्र में लगभग 37 लाख पॉपुलेशन आती है दिल्ली की, काफी बड़ा पॉपुलेशन आता है, उसको हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जो लोग ज्यादा लोगों के दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे शॉपकीपर से, ट्रांसपोर्टर से, ड्राइवर से, प्रेस पर्सन से जो इस एज ग्रुप के हैं, या हमारे जो मुलाजिम है जो ज्यादातर पब्लिक के संपर्क में आते हैं, जिनको हम सुपर स्प्रेडर्स भी कह सकते हैं, उनको हम पहले वैक्सीनेशन करेंगे। प्रायोरिटीज बन रही है। तब तक जो है बिलो 45 एज के लोगों को ऑनलाइन कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका प्लान भी रोल आउट हो जाएगा। 1.2 करोड़ डोसेस इसके लिए गवर्नमेंट ने खुद के बजट से ऑर्डर किए हैं और रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इस पर भी अमल शुरू हो जाएगा। मैं फिर से एक बार वादी के सभी आवाम को इस बात का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस है कम्युनिटी लेवल पर स्प्रेड रोकने के और साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पर जो इंतजाम करने हैं, मास्क रिलेटेड, हैंड सैनिटाइजर रिलेटेड, गर्दी के एरिया से दूर रहने से रिलेटेड, या जो कंटेनमेंट मेजर है उसमें घर में ही रहने से रिलेटेड आपने कंप्लाई किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और फिर से आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि कोविड की जो अभी जो सेकेंड वेव है डेफिनेटली अभी उस लेवल तक नहीं आई है कि जिसमें हम रिलैक्स हो सके। अभी भी हमने वॉचफुल रहने की जरूरत है। काफी भयानक, काफी डेंजरस सिचुएशंस दूसरे इसमें है, डेफिनेटली उतनी नहीं आई है, लेकिन तो भी हमने इसको फेस करने के लिए सभी ने इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करने की जरूरत है, तभी हम कोविड को हरा सकेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।